हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज आपने चैलेंज का है गाइस 3 डेज। तो बताओ कैसा चल रहा है आपका चैलेंज, क्या आप कर पा रहे हो इसको? तो कर लो गाइस, क्योंकि इसके बाद आने वाला है अपना 1 महीने का चैलेंज। इसमें वेट लॉस नहीं होगा, कम से कम आदत तो लगेगी कुछ ना कुछ करने की, जैसे कि वर्कआउट करने की या 32 बार करने की या टाइम पे खाना खाने की, कुछ तो आदत लगेगी अपने को। तो प्लीज गाइस, इस चैलेंज को भी आप करना, जितना हो सके आपसे उतना करना। और मैं अभी मंदिर जाके आई हूँ गाइस, आज से मैंने मंदिर भी शुरू कर दिया है। तो आज सोमवार का दिन है, तो आप सभी को हर हर महादेव, भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। तो गाइस, आज मैंने सुबह से 1 लीटर पानी फिनिश कर चुकी हूँ मैं, और सुबह मैंने आज फैट कटर ड्रिंक में ली थी मेरी वही ब्लैक कॉफी, जो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। और मैंने आज एक्सरसाइज भी की थी, आधे घंटे एक्सरसाइज की गाइस। आज सच बताऊँ तो दिन से मैंने आज एक्सरसाइज की है, उस दिन से 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे करती आ रही थी, लेकिन ऐसे मन में बिल्कुल नहीं करता था, जबरदस्ती करती थी मैं अपने साथ। तो आज मैंने दिल से की एक्सरसाइज गाइस, आज मेरा मन लगा एक्सरसाइज में, और जिस काम में मन लगे तभी अपने आप को सफलता मिलती है, बिना मन से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें मन ही नहीं था। तो गाइस, आज मैंने अच्छे दिल से की, तो मेरा मन लगा आज एक्सरसाइज करने में और पसीना भी खूब निकला। तो बस शुरुआत करने की देरी है गाइस, तो मैंने मान लो मैं आज से ही शुरुआत करती तो मेरे 5-6 दिन और खराब हो जाते। तो मैंने आते ही शुरू कर दिया था, चाहे मन हो या ना हो, धीरे धीरे मन हो जाता है। जब शुरू में बच्चा स्कूल जाता है तो कभी भी वो मन से नहीं जाता, आप बताओ कोई जाता है मन से? बिल्कुल नहीं जाएगा मन से, जबरदस्ती करनी पड़ती है उसके साथ। और धीरे धीरे उसको ऐसी आदत लग जाती है कि उसे अगर स्कूल छुटवाओ भी तो फिर भी वो छोड़ना पसंद नहीं करता, और तभी उसको एक दिन सफलता मिलती है। इसीलिए मैं कहती हूँ गाइस, इस वक्त से लड़ जाओ और अपने आप को फिट बना लो, यही वक्त है अपने आप को फिट बनाने का। एक दिन याद से निकल गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। हमेशा लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होता है ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो गाइस, वक्त के भरोसे कभी मत बैठो कि वक्त आएगा तभी अपन शुरू करेंगे। हर वक्त अपना है, वक्त कभी नहीं आता, अपने को लाना पड़ता है। तो शुरू हो जाओ गाइस, जिसने शुरू नहीं किया है कुछ तो शुरुआत करो आप। अपनी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा लगेगा आपको, और सब कुछ तभी कर पाते हैं अपन जब हेल्थ अच्छी हो। तो लग जाओ गाइस अपने वेट लॉस करने में, कभी ना कभी तो जरूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे आप, और जरूर पहुंचोगे। जब मैं पहुंच सकती हूं तो आप क्यों नहीं। मैंने अभी दोबारा से शुरुआत कर दी है अच्छे रूटीन में जीने की। अगर मेरा इस आधे में वेट लॉस नहीं होगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो आदत लगेगी। और देखो, मैं आज की ना दिन से एक्सरसाइज है, तो ऐसे ही एक ना एक दिन मिल जाएगी मुझे अपनी मंजिल भी। मैंने ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है, अभी 2-3 kg हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मैं ठीक हूँ और अच्छे से लाइफ जी सकूँ, हेल्दी लाइफ जी सकूँ। इसलिए मैं हेल्दी खाना खाऊंगी। कभी कभार अपन चीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो करना आपको वेट लॉस होने के बाद। तो लग जाओ गाइस, आप भी शुरुआत कर लो। कब करने वाले हो प्लीज़, कल पे कभी मत छोड़ना। आज जितना भी आपका मन है 5 मिनट 10 मिनट एक्सरसाइज करने का, तो प्लीज करना गाइस। अगर आपको अपने इंचेस लॉस करने हैं ना, तो एक्सरसाइज जरूर किया करो आप, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको 32 बार के साथ। जिसका इंचेस लॉस नहीं हो रहा तो प्लीज एक्सरसाइज अपनी डाइट में डाल लो आप, डेली रूटीन में आधा घंटा या 35-40 मिनट तो प्लीज एक्सरसाइज करो आप, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक्सरसाइज से इंचेस लूज भी होंगे, और आपको लग रहा है एक्सरसाइज से भी हमारे इंचेस लूज नहीं हो रहे, तो आप सूर्य नमस्कार कर लो, 100% आपके इंचेस लूज हो जाएंगे, ठीक है गाइस। और अभी मैं करती हूँ अपने नाश्ते की तैयारी, तो आपको दिखाती हूँ मैं आज नाश्ते में क्या ले रही हूँ। कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी, तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज चीला। चीला बना रही हूँ सूजी का, तो इसमें मैंने 1 चम्मच डाल के
भिगो दिया था और थोड़ा सा पानी, 5-7 मिनट हो गई इसको रेस्ट करवाया है। और मैं इसमें डालूंगी गाइस पालक और प्याज और हरी मिर्ची और ये हरा धनिया। तो गाइस सब इसमें मिक्स कर लेते हैं ये अभी। लगा लिया है अपना नाश्ता, ये देखो कैसा बना है चीला, प्लीज बताइएगा मुझे। और मैं अभी टेस्ट करके देखूंगी इसको। और मैं दही के साथ थोड़ी सी दही ली है मैंने और इसमें डाली है मैंने ब्लैक मिर्ची। तो गाइस ऐसे मैंने वेजिटेबल चीला पहली बार ट्राई किया सूजी के साथ, बेसन के साथ तो मैं करती थी। तो अभी मैं आपको खा के बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा बना। अपना लंच में बनाया, आज मैंने सब्जी नहीं बनाई, ये रात की सब्जी है, इसी को गरम कर लिया है। और दही है और सैलेड है और ये है मक्के की रोटी। और मैंने बनाई है गाइस अभी चटनी, ये देखिए मैंने आज लाल मिर्च की चटनी बनाई है। किस किस को पसंद है ये लाल मिर्च की, लहसुन और मोटा धनिया डाल के, तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये, हम सब की है ये। तो वो तो खाना खा के चले गए, तो सब्जी ज़्यादा बच रही थी गाइस इसलिए मैंने आज सब्जी नहीं बनाई, रात की थी यही गरम कर ली अच्छे से। और मैंने छाछ भी ली है थोड़ी सी। तो आ जाओ गाइस करते हैं अपना लंच। गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। देखियो ये देखो आधा कप है बिल्कुल, थोड़ी सी चाय मैं पीती हूँ गाइस। और इसमें सिर्फ चीनी और अदरक ही, सॉरी चाय पत्ती और अदरक ही है। अब मैं डालूँगी इसमें मीठा करने के लिए गुड़, ये देखिए मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। और अब इसको मिलाएंगे, ऊपर कभी भी दूध मत डालना गाइस फट जाएगी चाय, ये गुड़ मत डालना। अब इसको मिला लूँगी मैं और फिर अपनी चाय तैयार है। तो मैं चाय पीती हूँ गाइस, और ये अभी शाम की तो मैं कभी पी लेती हूँ कभी नहीं पीती, लेकिन सुबह का इतना सा कप मैं ज़रूर पीती हूँ। सुबह गर्म पानी पीने के बाद, फ्रेश फ्रेश होने के बाद, थोड़ी सी देर के बाद मैं इतनी चाय ज़रूर लेती हूँ, मेरा नहीं चलता चाय के बिना। तो गाइस अभी कर ली है मैंने अपने डिनर की तैयारी। तो मैं आज बनाऊंगी गाइस सोयाबीन, ये मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी है, ये देखो इतनी सोयाबीन ली है। टमाटर प्याज और शिमला मिर्च मैंने कट कर ली है और तेल चढ़ा दिया गाइस गर्म करने के लिए। अब बना लेते हैं इसको।
सॉफ्ट हो चुकी है अपनी थोड़ी सी टमाटर और शिमला मिर्च, हल्का हल्का ही सॉफ्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी मैं इनको। और मैंने इसके भी टुकड़े कर लिए हैं सोयाबीन के छोटे छोटे, सोयाबीन इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। ये बनकर हो गया है रेडी, गैस को मैंने कर दिया है बंद। और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी दही, बिल्कुल 2 चम्मच, और अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं इसको। और थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें चटनी जो मैंने दिन में बनाई थी लाल मिर्ची की, स्वाद के लिए ये आप डालो या ना डालो आपके ऊपर है। और अब ये बनके हो चुका है रेडी अपना डिनर। तो गाइस अभी मैंने लगा लिया है अपना डिनर और मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये। यम्मी गाइस, ट्राई करना ज़रूर। तो मैं कर लेती हूँ अभी डिनर और आप भी आ जाओ, आप भी कर लो। गाइस अभी बना रही हूँ मैं अपनी फैट कटर ड्रिंक नाइट वाली, क्योंकि मेरे पास ग्रीन टी नहीं है गाइस, तो इसमें मैं डालूंगी अजवाइन। मैंने लिया है 1 गिलास बड़ा पानी का और इसको अच्छे से उबाल लूंगी। और इधर मैंने भिगो के रख दिया है ये मुनक्का जो मैं सुबह खाऊंगी और ये पानी पीऊंगी और बाद में इसको खाऊंगी। इधर मैंने रख दिया छोले क्योंकि छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी कल। और ये मैंने भिगो के रख दिए हैं मूंग मोठ, इनको अंकुरित करूंगी, रात को भिगो के रखती हूँ और सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अंकुरित करूंगी इनको। मुझे डिनर करे हुए हो गया गाइस 1.5 घंटा और मैं अभी ये पी के और 1/2 घंटा या 40 मिनट की करूंगी वॉक और उसके बाद करूंगी रेस्ट। तो ये मेरी यहीं तक की वीडियो है गाइस। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और जो कुछ भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में करना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और कल फिर आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना। बाय गाइस, गुड नाइट।